सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग जो स्लाइम को कैसे स्पॉन करा सकते हैं, मतलब उसको जो स्पॉन करने के लिए कैसे हम लोग जो मजबूर करने वाले हैं, तो आज वही हम लोग वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो गाइस, पहले तो यार होता क्या है कि जो मतलब बहुत से लोग हैं जिनके वर्ल्ड के अंदर मतलब स्पॉन नहीं होती स्लाइम, मोस्टली यार जावा एडिशन के अंदर ये जो वर्क नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा ये जो है माइनक्राफ्ट पीई के अंदर इजिली आ जाता है, ठीक है, बेडरॉक वर्जन के अंदर वो सब में इजीली जो है स्लाइम वगैरह स्पॉन हो जाता है, ठीक है, मिल भी जाता है। और कुछ कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उन लोग को यार नहीं मिल पाता अच्छे से, ठीक है, स्लाइम वगैरह, तो उन लोग के लिए ये वीडियो है। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको पूरा यार बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोग जो है इसको किस तरीके से जो है स्लाइम अपने वर्ल्ड के अंदर ला सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखो गाइज, आपको जो फर्स्ट वाला मैं ऑप्शन आपको देने वाला वो है कि गाइज आप लोग यहाँ पर जो है को यहाँ पर लोकेट कर देना है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो लोकेट कर देना है, ठीक है। तो गाइज जो आपको यहाँ पर आपके सर्च बार में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग मतलब कुछ को चीट्स कोड वगैरह एक्टिव कर सकते हैं, तो वहाँ पर इसको जो लोकेट कर सकते हैं। देखो यार ये कोई इसमें कोई चीटिंग वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोग जो है वो बायोम का बस डेटा निकाल रहे हो कि वो बायोम एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो अभी जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप पी के अंदर हो तो आप लोग यही सेम जो है लोकेट बायोम करके आप लोग यही सेम कर देना, ठीक है, उसके अंदर भी सेम यही स्टेप रहता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं आपको पहले तो वो बायोम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज ये करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना, ठीक है, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को ये बात याद रखना और इसके बाद वाला मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो गाइज अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके जो F3 प्रेस कर देना, ठीक है, जो पीसी के अंदर खेलते हैं उन लोग के लिए, और फिर एक बार जो अपनी लोकेशन यहाँ पर देख लेनी है। तो यहाँ पर गाइज अपना जो एक्स एक्सिस बता रहा है वो दिखा रहा है 1743, और यहाँ पर जो जेड एक्सिस दिखा रहा है तो वो है 1363। तो गाइज आप लोग को क्या करना है कि ये लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है जल्दी से हम लोग जाएंगे, देखते हैं इसकी डायरेक्शन कौन सी आती है, और मैं आपको दिखाता हूँ वो बायोम जो दिखता कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज लगभग जो हम लोग वो एरिया में पहुंचने वाले, तो जैसा कि गाइज देख सकते हो यहाँ पर ये टाइप का कुछ यहाँ पर एरिया दिखाई देता है। तो अपने को यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर बताया था लोकेशन, देखो 1743, और मतलब वही हम लोग उसके आसपास है, और 1300 के आसपास कुछ है, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग जो एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुके। और गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला तो टिप ये रहेगा कि आप लोग जो है स्पॉन आइलैंड के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो ये जैसा कि कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा, यहाँ पर गाइज ये लोटस लीव्स कुछ तो रहता है शायद ये, तो इसके यहाँ पर आने के बाद जो आपको ये जो है बाम को जैसा दिखाई देगा, ठीक है, आप लोग उसको लोकेट करके इजीली यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो आपने को एक स्लाइम भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब पहले यार बोनी तो हो चुकी है। देखो आपको प्रूफ तो मिल गया कि यहाँ पर जो स्पॉन होते हैं, और भाई बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अच्छे से स्पॉन होते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ, कि दूसरा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे ट्रिक में आपको क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर तो मैं अपने एरिया में आ चुका हूँ। तो गाइज अभी देखो यार आपको करना क्या रहता है, आपको यहाँ पर गाइज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जो वेबसाइट है उसके मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो अपनी जो वर्ल्ड की सीड डालनी रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उससे पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग यार पीसी यूज कर रहे हैं उन लोग की गाइज ये ट्रिक है। आपको क्या करना है गाइज, आप लोग को सीड अपनी वर्ल्ड की फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली जो सीड स्लैश सीड लिख के आपको एंटर दबा देना है। तो गाइज यहाँ पर जैसा कि देख सकते तो आपकी जो यहाँ पर सीड है कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। आप लोग इसको जो कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, और ये जो कॉपी करने के बाद गाइज आपको क्या करना है। सो गाइज यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो आपकी जो वेबसाइट जो ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, वो जो अपने सीड उठाया था, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मेरा यहाँ पर जावा एडिशन है, इसलिए मैं जावा एडिशन सेलेक्ट करूंगा। बेडरॉक एडिशन आप लोग कर सकते हो, जो लोग पॉकेट एडिशन के अंदर खेलते हो और बेडरॉक एडिशन में खेलते हो, दोनों के लिए ये वर्किंग है, ठीक है। हम लोग जावा एडिशन में खेलते हैं इसलिए जावा एडिशन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखो यार आपको करना क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप है। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या अपनी जो एक्स वाली कोऑर्डिनेट और जेड वाली कोऑर्डिनेट को यहाँ पर डालना रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग अपनी जो कोऑर्डिनेट है वो कैसी है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ, ठीक है, और पहले तो मैं देखो यार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, और मेरी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो गाइज यहाँ पर मेरी जो कोऑर्डिनेट है 478 और यहाँ पर 723 है, तो मैं इसको जो है वहां पर डालूंगा, ठीक है। आपको ये एक्स वाली डालना है और जेड वाली डालना है, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो प्लेस के अंदर, ठीक है, मैंने वहाँ पर जो उसके कोऑर्डिनेट डाल दिया। अब यहाँ पर गो कर दो और गो करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर रेड डॉट कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको इसके ऊपर जूम कर लेना आपको। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर जो स्लाइम के जो चंक्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो गाइज आपको करना क्या रहेगा, बहुत ही यार सिंपल स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर देखो गाइज आप लोग इसको एक कोने के अंदर बना लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो इसको एक कोने के अंदर जो इसको डाल लिया, ठीक है। तो गाइज अब आप लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ये वाली जो लोकेशन है आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज कितना कोऑर्डिनेट दिखा रहा है वो देख लो पहले। तो आप लोग यहाँ पर गाइज आपको दिखाई दे रहा रहेगा, देखो 464, ठीक है। आपको वो कोऑर्डिनेट के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर 464 दिखाई दे रहा है, तो वो हम लोग गेम के अंदर जाएंगे, ठीक है। हम लोग वहां पर जाके आपको खड़ा रहना है। तो अभी जो हम लोग अपना कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक सेकेंड, 464 बोला था मैंने, तो अपना 464 कहा गया यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रहा गाइज 464 वाला कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग थोड़ा कुछ इस टाइप से ये कर, तो यहाँ पर देखो गाइज अपना क्या हुआ था कि अपन लोग ये एक्स पे तो आ गए थे, ठीक है। एक्स पे दिखा रहा है 464, फिर उसके बाद 687 बता रहा है, ठीक है, 687। तो 687 पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पर गाइज कुछ बता रहा है 687, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको जाना है नीचे, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा गाइज, वो जो लोकेशन था अपनी गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना था, ठीक है यार, मैं बता नहीं यार कैसे भूल गया, कंफ्यूजन हो गया मेरे अंदर, ठीक है, मतलब कंफ्यूज हो गया थोड़ा। तो आपको जो यहाँ से 30 के यहाँ पर चले जाना है, ठीक है। 30 के यहाँ पर चले जाने के बाद गाइज आप लोग को, तो गाइज यहाँ से देखो मैं आपको फिर से एक बार शुरुआत से जो समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइज मैं पहले F3 कर देता हूँ, फिर उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर दिखा रहा रहेगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है यार, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देखो यार 464 दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये जो अपना एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पर गाइज जेड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 687 है। तो गाइज अपन लोगों के यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो गाइज अपना दिखा रहा है 464 और जो कोऑर्डिनेट अपना वो है 688, ठीक है, मतलब 687 उसके आसपास है। तो गाइज अपने को क्या यहाँ पर क्या करना है कि अपने को ये वाले लोकेशन पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज अपने को पहुंचने के लिए, तो यहाँ पर गाइज दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस में अपने को जाना पड़ेगा 479 पे, मतलब 480 पकड़ लो, और जो अपना जेड वाला एक्सिस है वो बिल्कुल भी यार हिलना नहीं चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ जो दिखा रहा था ना मैं उसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी देखो आपको क्या करना है। यहाँ पर गाइज आपको ऐसे साइड में बढ़ जाना है जहां पर कि 687 आपको दिख रहा है वो नहीं हिलना चाहिए, और बाकी जो आपका यहाँ पर बस जो एक्स वाला एक्सिस है वो 90 पे जाना चाहिए, मतलब ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड पे हम लोग चलेंगे और हम लोग यहाँ पर जाएंगे 80 तक। भाई पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल यार कोई भी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर गाइज हम लोग 470 और गाइज यहाँ पर हम लोग 80 पे पहुंच गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपना जो मेन पॉइंट था, ठीक है, एंट्री का, रुको एक सेकेंड, यहाँ पर ये वाला, तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि हम लोग जो ये डायरेक्शन में ना आ जाए, ठीक है। तो ये जो अपना ब्लॉक यहाँ पर बनाया, ठीक है, उन लोगों ने, तो यहाँ पर देखो इस साइड में हम लोग गए और गाइज अपने को एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये चंक एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर की ये जो ज्यादा स्पॉन होते हैं। अभी देखना गाइज यहाँ पर अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो हम लोग है आपको मैं वो चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो हम लोग थे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग खोदते चले गए, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है गाइज, अभी जो है यहाँ से 7, मतलब अपने को इतना तक खोदना है, ठीक है। मतलब एक्स जो एक्सिस दिखा रहा है वो रहेगा 463 और जो जेड एक्सिस रहेगा वो रहेगा 703, ठीक है यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यार देख लेना भाई, ये मतलब सही है यार, मेरे को तो लग रहा है भाई अपने को यार अच्छे से लोकेशन भी मिल रही है। तो गाइज अभी अपने को क्या शायद हो सकता है कि ये यहाँ पर पीछे वाली साइड भी चला जाए। तो यहाँ पर देखो गाइज यही साइड पे जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जो प्लस हो रहा है, ठीक है, जेड वाला एक्सिस, तो यहाँ पर दिखा रहा था कुछ 703 ना तो 704 पे हम लोग जो है चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले तो लाइट कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइज कुछ इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर आ गए। तो गाइज अभी देखो अपने को क्या करना है, ये तो अपने को एक्सिस मिल गया, ठीक है गाइज। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड प्रॉपर बताऊंगा यार पूरा स्टेप, कुछ भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखो गाइस हम लोग जो यहाँ से आए थे, ठीक है, ये वाले पार्ट से नीचे आए थे और यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस टाइप से जो मैंने यहाँ पे शेप बना दिया, ठीक है। अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है नीचे चले जाएंगे। सो गाइज अभी देखो हम लोग जो यहाँ पर, मतलब ये जो जगह पे हम लोग इजीली पहुंच गए, ठीक है। तो गाइज अभी आपको क्या करना है, अपने नीचे वाला एक ब्लॉक को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से और ये वाला, मतलब चार ब्लॉक को आपको टोटल जो है ये बना लेना है, ठीक है। मतलब चार ब्लॉक को आपको यहाँ पर ये जो खोद देना है, ठीक है, माइन कर लेना। आपको हो सके तो आप लोग चार नहीं तो पांच ब्लॉक कर देना, नहीं तो तीन ब्लॉक किया तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो आपको बहुत ज्यादा मतलब डायमंड भी मिलने के यहाँ पर चांसेस है आपको, ठीक है। तो गाइज आप लोग का क्या करना है, ये जो एरिया पूरा इसको गायब कर देना है, एक तरफ भाई समझ लो। तो इसको जो आपको
पूरा हटा देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि माइंड करने के बाद इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ, क्या ये लेटर मतलब सच्ची में यार वर्क करेगा या फिर नहीं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जो यहाँ पर जो ये जो एरिया कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना दिया हो, और इसको जो बनाने में आपको भी यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी नाइट हो चुकी है, और गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर मून मतलब जब फुल मून रहता है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऊपर चल के। तो मतलब यहाँ पर देखो गाइस, ये जो आपका मून है ना, तो यहाँ पर बीच में आता है, फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है, ठीक है। मतलब पूरा यार मून चले जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पर जो है नई स्पॉन होते हैं, ठीक है, आपको पूरा एक दिन वेट करना है, ठीक है, 24 आवर्स गेम के अंदर, ठीक है। तो गेम के अंदर आपको वेट कर लेना है इतने टाइम के लिए, मतलब डे नाइट होने देना है, फिर उसके बाद देखना है आपको, अगर आपका नहीं आता यहाँ पर तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, फिर देखो यार उसको ऑप्शन नहीं रहता, देखो फिर हो सकता है आपके गेम के अंदर कुछ ग्लिच हो, नहीं तो गाइज मैं आपको एक और जो ट्रिक बता सकता हूँ, ठीक है, मेरे इधर से मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जो है पूरा आपको नीचे चले जाना है, ठीक है, आपको जो यहाँ पर गाइज लगभग 7 7 कोऑर्डिनेट पे चले जाना है, ठीक है। 7 कोऑर्डिनेट पे जाने के बाद गाइज आप लोग को जो सेम वही तरीका यहाँ पर कर देना है, अगर आप देखो यार होता है कि नहीं, अगर नहीं होता तो यार वो ट्राई करना, ठीक है, जो मैंने बताया वो। और एक गाइज है यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट है 30 है, ठीक है, यहाँ पर 30 है, और हम लोग जो और उसके बाद ऊपर चलेंगे, और गाइज यहाँ पर देख सकते ये जो है अपना 40 वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 40 वाले कोऑर्डिनेट के अंदर भी आपको जो सेम वही तरीका कर लेना है, तो आपको बस यार ये जो ट्रिक है ना इसको यूज करके देखना है क्या ये मतलब होता है कि नहीं, हो सकता है यार आपके वर्ल्ड के अंदर नहीं तो कोई ग्लिच होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना यार अच्छे से। तो गाइज देखो यार जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि तो ये स्पॉन करने का गाइज एक ही यहाँ पर टेक्निक है, दूसरा कोई यार गेम के अंदर कोई टेक्निक नहीं बना है, बाकी यार वो जो होता है स्पॉन आइलैंड के जो आइलैंड है उसके अंदर ही स्पॉन होता है, बाकी इसमें तो नहीं होता, तो आप लोग देख लेना यार। तो वैसे मैं अब यार थोड़ा यहाँ पर एफ के जाके देखेंगे कि यहाँ पर अपना जो ट्रिक है वर्क करेगा फिर नहीं, वो देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो गाइज कुछ टाइम बाद जो आपने यहाँ पर 2-3 स्लाइम यहाँ पर दिखाई देते हैं गाइज, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी कम आएगी, ठीक है, तो देख सकते हो ऐसे कि बहुत मतलब कम चांसेस रहते हैं कि इसको जो आने के लिए, मतलब यार बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है आजकल स्लाइम यार मिलना। तो गाइज अगर आप लोग को लिटरली यार सच्ची में अगर चाहिए रहेगा ना, तो मैं बताऊँ आपको ट्रिक, तो आप लोग क्या करो, अगर आपको इस इतने बेस में अगर नहीं मिलता तो इस बेस को जो थोड़ा और बढ़ा लेना, ठीक है, इतनी हाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग जो इस एरिया को जो पूरा आप लोग बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो इस एरिया को बढ़ा लेना, और ठीक है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है ना फिर भी, तो आप लोग क्या करना गाइज, जो अपना स्पॉन आइलैंड है उसको आप लोग जो है प्रेफर करना, ठीक है, यूज करने के लिए। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है ना, तो गाइज मैं आपको लास्ट टिप देना चाहूंगा यहाँ पर। तो गाइज लास्ट टिप यहाँ पर ये रहेगी कि आपको यहाँ पर जो सर्च करना पड़ेगा यहाँ पर गेम रूल आपके इसमें भी, ठीक है यार पी के अंदर भी सेम यही रहेगा। तो गाइज यहाँ पर आके जो यहाँ पर मॉब स्पॉनिंग को कुछ दिखाएगा, डू मॉब स्पॉनिंग, ठीक है, तो आपको यार यहाँ पर ट्रू कर देना है, ठीक है। ट्रू करने के बाद जो है ना या आपका जो भी यार फॉल्ट रहेगा, अगर किसी ने फॉल्स कर दिया रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका यही ट्रिक है गाइज इसको फाइनल ईयर करने के लिए। तो गाइज आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइज फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।